दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कई सितारों ने धर्म की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कहा है। ज़ायरा वसीम से लेकर सना खान जैसे सितारे इस लिस्ट में शामिल है। एक और एक्टर है जिन्होंने धर्म की राह पर चलने के लिए एक्टिंग की दुनिया छोड़ दी। हालांकि उनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम है आरिफ खान। साल 1991 में अजय देवगन ने फूल और कांटे फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस मधु भी नजर आई थी। अजय देवगन ने पहली फिल्म में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को जीत लिया था और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म फूल और कांटे में आरिफ खान ने रॉकी का किरदार निभाया था। उनकी खलनायकी की खूब तारीफ हुई थी। इसके बाद उन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका करियर उड़ान नहीं भर पाया। आरिफ खान ने सुनील शेट्टी, सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया था, जिसमें मोहरा, वीरगति और दिल जले शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरिफ खान सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। आरिफ खान साल 2007 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अ माइटी हार्ट में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने एंजेलिना जोली के साथ काम किया था। बॉलीवुड में कई सालों तक काम करने के बाद आरिफ खान ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया और एक दिन अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आरिफ खान ने धर्म का रास्ता चुना और इस्लाम के प्रचारक बन गए। कोविड महामारी के दौरान आरिफ खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई दिख रही थी। सफेद कुर्ता पहने हुए आरिफ खान बिल्कुल नए लुक में नजर आए थे। आरिफ खान ने बताया कि उन्होंने इस्लाम धर्म का पालन करने के लिए फिल्मों से दूरी बनाई है। आरिफ खान अब मौलाना बन चुके हैं और लोगों को इस्लाम की शिक्षा देते हैं। ग्लैमर की दुनिया से दूर आरिफ खान सिंपल लाइफ बिता रहे हैं।